Hi guys, how are you? So my dear friends, we are going to start a new subject today और इसका नाम है jurisprudence, interpretation and general laws. जी हाँ, so इस jurisprudence से जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, बेहतरीन सोच के साथ हम इसे स्टार्ट करेंगे my dear friends, क्योंकि laws बनाए जाते हैं, laws follow किए और करवाए जाते हैं, लेकिन उन laws के पीछे आखिरकार क्या logic है और उन लॉज को बनाते वक्त किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा जाता है, इन सभी बातों को हमारा ये सब्जेक्ट ज्यूरिसप्रूडेंस वाला जो हिस्सा है ये एक्सप्लेन करेगा. राइट, तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करें अपनी जर्नी विच इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन. राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद इट. और दोस्तों हम सब जानते हैं, वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स वी वॉन्ट टू लिव अ पीसफुल लाइफ. से यस और नो? यस. सो हम हमेशा चाहते हैं कि यार ऐसी सोसाइटी में रहा जाए जो पीसफुल हो एंड परफेक्ट हो. राइट, और इसी की चाहत में हम आखिरकार करते क्या हैं, हम अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करने और करवाने की कोशिश करते हैं जिससे सभी का भला हो. भैया, इज दैट सो और नॉट? सो जो हमारी सोसाइटी है उसका भी यही मकसद है. राइट, अब मान लीजिए कि किसी के घर में ये बेचारा ओनर है और इसके घर में ये व्यक्ति ट्रेसपास करके घुस जाता है. अब बताइए, क्या ये जो व्यक्ति ये गलत है, इसके अगेंस्ट कोई एक्शन होना चाहिए क्या नहीं, क्या इसकी कोई लायबिलिटी होनी चाहिए या नहीं, इसके अगेंस्ट फाइन लगना चाहिए क्या नहीं? भाई कुछ ना कुछ तो सजा इसे जरूर मिलनी चाहिए. और ये जो बेचारा खुद ओनर बाहर खड़ा हुआ है, भैया इसके पास क्या राइट्स हैं? राइट्स होने चाहिए या नहीं? यस, ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति के घर में घुस करके अब ये व्यक्ति बैठ गया है, इसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीका होना चाहिए. राइट, सो सोसाइटी की प्रॉपर एग्जिस्टेंस तभी आती है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के राइट्स और लायबिलिटीज जब तक क्लियर नहीं होंगे दोस्तों, तब तक ये परफेक्ट सोसाइटी बनेगी नहीं. सो अगर इस सोसाइटी को प्रॉपरली एग्जिस्ट करना है और लोगों के ये जो पर्सनल राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, इन लोगों को क्लियर करना है, तो आप समझ लो कि हमें एक परफेक्ट लॉ की जरूरत होती है. राइट, अगर एक सॉलिड और परफेक्ट लॉ होगा तो चाहे वो कोई भी कंट्री हो दोस्तों, वहां पर वो जो सोसाइटी होगी वो सिविलाइज्ड तरीके से रह पाएगी. यानी इन सब की एग्जिस्टेंस, चाहे आप किसी भी तरह की सोसाइटी की बात करें, प्रॉपर उसकी एग्जिस्टेंस तभी तभी रहेगी अगर वहां के लॉज परफेक्ट होंगे. इज दैट सो और नॉट? बिल्कुल ठीक बात है. तो अगर किसी भी सोसाइटी की बात करूं, वहां पर रहने वाले लोगों की बात करूं, तो भैया इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के राइट्स भी हैं. राइट, उन्हें लायबिलिटीज भी मिलेंगी, कोई ना कोई गलत काम करेंगे तो या तो वो सही काम करेंगे या गलत काम करेंगे. मान लो इन लोगों ने सही काम किया, अच्छी बात है, ये हमेशा न्यायपूर्वक काम करते हैं, जस्ट तरीके से. कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे दूसरी तरफ जो हो सकता है गलत तरीके से काम करें, जो हो सकता है अनजस्ट तरीके से काम करें. बोली हाय ना, तरह तरह के लोग हैं. सो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भैया लॉज को फॉलो करेंगे. सो सम पीपल आउट ऑफ दिस सोसाइटी दे फॉलो द लॉ, दे ओबे लॉ. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे हु डू नॉट ओबे दिस लॉ. Is that so or not? तो जो लोग ओबे करते हैं भैया सिविलाइज्ड सिटीजन कहलाते हैं, बोलिए हाँ या ना. जो नहीं कहलाते, जाहिर सी बात है अनसिविलाइज्ड व्यक्ति ऐसे बहुत हैं और उनको पनिश किया जाना चाहिए, उनको पनिश किया जाता भी है. यानी अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा. अच्छा, क्या आपने कभी भी जिंदगी में सोचा कि आखिरकार ये जितने भी लॉज हमने बनाए, ट्रैफिक रूल्स पर मोटर व्हीकल एक्ट, सिविल सोसाइटी में हम रह रहे हैं भैया, तो अगर यहां पर कुछ गलत काम किया तो
सिविल मुकदमे दायर किए जा रहे, राइट, किए जा सकते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड, कोई क्राइम किया तो भैया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चलेगा, सजाएं मिलेंगी आईपीसी के तहत, और हर व्यक्ति को हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बंध कर चलना है, उसको फॉलो करते हुए चलना है। कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सामने आ गया, पार्टनरशिप की तो पार्टनरशिप एक्ट सामने आ गया, आपने सामान बेचा तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट सामने आ गया, कंपनीज आप चलाना चाहते हैं तो भैया कंपनीज एक्ट आपके सामने आ गया। न जाने कितने काम और कितने रूल्स और कितने एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम इस पूरे के पूरे लॉ वाली जो जिंदगी में जी रहे हैं, आपने क्या कभी सोचा है कि हाउ एंड व्हेन द लॉ वाज डेवलप्ड? क्या ये सोचने का मौका मिला कि भाई आखिरकार ये लॉ बना कैसे, कब आया और किन सर्कमस्टेंसेस में बना? सोचने की जरूरत है मेरे भाई। और जब लॉ आया, लॉ अलग अलग है तो उनके अलग अलग मकसद भी हैं, लेकिन इन जनरल अगर मैं लॉ की बात करूं तो भैया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है लॉ का? क्या ये जो लॉ बनाए जाते हैं ये लोग बनाए जाते हैं, लोग ही बनाते हैं, या हमें कोई डिवाइन फोर्स जो है वो कहती है कि भाई, इंस्पायर करती है कि भाई तुम लॉ बनाओ? सवाल है हमारे सामने। अब एक सवाल और आता है कि जो देश का शासक है क्या वो लॉ बनाता है, क्या वो लॉ अप्लाई करवाता है, या धीरे धीरे जो सोसाइटी डेवलप होती जा रही है सिविलाइजेशन का नतीजा है लॉ? हमारे सामने कई सवाल है, लॉ कब बना, कैसे बना, राइट, उसके बाद आखिरकार इन लॉज के ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉ का ही आखिरकार ऑब्जेक्ट क्या है ओवरऑल, और क्या ये ईश्वर की तरफ से कोई दी गई इंस्पिरेशन है, या हम लोग खुद ही आपस में रह रहे हैं तो भैया हमें कोई रूल्स के मुताबिक रहना चाहिए, ये हमने बना लिया, या फिर किसी शासक ने, हमारे देश के शासक ने बोला कि भैया लॉ बनाया जाएगा, लॉ फॉलो किया जाएगा, या फिर ये सोसाइटी आपस में ही मिल करके कुछ बनाती है, ये सब सवाल है। ऐसे कई सवाल दोस्तों हमारे सामने हैं और इनके जवाब हमें इस ज्यूरिसप्रूडेंस में मिलेंगे। तो ज्यूरिसप्रूडेंस आखिरकार चीज क्या है दोस्तों? ज्यूरिसप्रूडेंस, या कहूं ज्यूरिसप्रूडेंशिया, जिससे निकल कर ये नाम आया ज्यूरिसप्रूडेंस। ज्यूरिस का मतलब हुआ लॉ, प्रूडेंशिया का मतलब नॉलेज, यानी हम बात कर रहे हैं नॉलेज ऑफ लॉ की। हम बात किसकी कर रहे हैं? नॉलेज ऑफ लॉ। और कहा भी जाता है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप जिस देश में रहते हैं उसका लॉ आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप कहें जी ये काम गलत मैंने कर दिया, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इस काम की सजा है, तो भैया इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी नॉलेज ऑफ लॉ जरूरी है। तो अगर मैं लिटरली इसका मीनिंग देखूं तो भाई इट मींस नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। सो ज्यूरिसप्रूडेंस बेसिकली बताती क्या है? लॉ की नॉलेज और उसका एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा। यह भी बताया जाएगा कि भाई इस लॉ के बनने के पीछे लॉजिक क्या था, किन सर्कमस्टेंसेस में यह लॉ बना, राइट। इन एडिशन टू दैट यह भी देखा जाएगा कि जब वो लॉ बनाया गया तो उस समय सर्कमस्टेंसेस क्या थे, और क्या आज के सर्कमस्टेंसेस में वो लॉ वैलिड है या नहीं, उसके पीछे क्या बेसिक प्रिंसिपल्स रहे थे उस समय, क्या वो बेसिक प्रिंसिपल्स आज भी वैलिड है या नहीं, ये भी देखा जाएगा दोस्तों। आइए ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में और कुछ बातें पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यूरिसप्रूडेंस किसी एक देश का तो लॉ होने वाला नहीं है, ये नॉलेज ऑफ लॉ है, इसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स है। तो चाहे कोई एक देश हो या दूसरा देश, जितने भी लॉज बने होंगे कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई रीजंस, लॉजिक, प्रिंसिपल्स रहे होंगे। इज दैट सो और नॉट? तो ज्यूरिसप्रूडेंस कवर क्या करता है, सवाल ये आता है। सो जिस ज्यूरिसप्रूडेंस कवर्स होल बॉडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर जितने भी लॉज हैं दोस्तों, हर देश में जरूरी नहीं कि सेम लॉ हो, अलग अलग सर्कमस्टेंसेज हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनके कस्टम्स हैं, उनके बेसिस पर लॉ डेवलप होते हैं,
इज दैट सो और नॉट, लेकिन लॉ के पीछे रीजनिंग जरूर होती है और ज्यूरिसप्रूडेंस का काम ही यही है, रीजनिंग को, उसके लॉजिक को चेक करना, प्रिंसिपल्स को चेक करना कि वाकई वो लॉ सही है या नहीं है, आज की डेट में वो वैलिड भी है या नहीं, आज की डेट के लिए क्या वो सही भी है या नहीं। सो हम अगर ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ रहे हैं तो भाई ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ने के पीछे कारण क्या है? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें जितने भी ये लॉज हैं इनकी यूटिलिटी पता लग सके, लॉज और रूल्स की हमें यूटिलिटी पता लग सके कि आखिरकार किस काम के हैं वही लॉ, क्या वाकई इनको फॉलो करना जरूरी है। जिन लॉज को इनैक्ट किया गया, अप्लाई किया गया, इनकी हमारे लिए क्या यूटिलिटी है, इन लॉज की, इन रूल्स की क्या हमारे लिए सिग्निफिकेंस है, ये हम जानेंगे दोस्तों इस ज्यूरिसप्रूडेंस के पूरे सब्जेक्ट में। सो व्हाट दिस ज्यूरिसप्रूडेंस इन्वॉल्व्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम पूछ रहे हैं ये लॉ कब आया, क्यों आया, किन सर्कमस्टेंसेस में आया, किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, क्या आज भी इसे एप्लीकेबल होना चाहिए या नहीं। जब हम इतने सवाल अपने सामने खड़े कर रहे हैं, हम इतने सवाल कर रहे हैं उस लॉ के बारे में, इसका मतलब वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इन टू द लॉ कि अगर ये लॉ आया, अगर ये मोटर व्हीकल एक्ट आया या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया या कंपनीज एक्ट आया, कोई भी एक्ट आया तो क्यों आया, क्या रीजन रहे थे और हमारा कौन सा पर्पस ये सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ये सब हमें जानने की जरूरत है। सो अल्टीमेटली ज्यूरिसप्रूडेंस का काम ही यही है। ज्यूरिसप्रूडेंस कहता है भाई दिस इज अ सर्टेन टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन टू लॉ, लॉ को ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम। अब आज मान लीजिए मैं एक लॉयर हूं, तो मुझे उस कोई भी लॉ की किताब उठाऊंगा तो मुझे पता लगेगा एक लॉ लिखा हुआ है जी, उसके पीछे मैं जानूंगा अच्छा इसके पीछे क्या रीजनिंग रही होगी, या लॉ लिखने वालों की क्या इंटेंशन रही होगी उस समय जिन लोगों ने इस लॉ को लिखा, इज दैट सो और नॉट। आज अगर मैं जज हूं तो भैया मैं लॉ को इंटरप्रेट करूंगा, देखूंगा कि भाई लॉ की किताब में क्या लिखा है और इससे क्या रीजनिंग निकल के आती है या इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक लाइन के कई मतलब निकल आते हैं भैया। तो एज अ जज मुझे चेक करना पड़ेगा क्या वाकई इसका वही मीनिंग है जो लिटरली नजर आ रहा है, या इसके पीछे कोई और बात भी हो सकती है, मैं उसके अंदर अच्छी तरह से डीप डाइविंग करके चेक करूंगा कि उसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स रहे होंगे। ज्यूरिसप्रूडेंस उसमें मुझे हेल्प करेगी, ये सब्जेक्ट मुझे उसमें हेल्प करेगा, इसका काम ही यही है, इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द लॉज, राइट। अच्छा, एक तो था लॉयर, उसके ऊपर जज, ये दोनों उसका यूज कर रहे हैं ज्यूरिसप्रूडेंस का। मान लो मैं लॉ मेकर हूं, आज मुझे कहा गया कि इसके लिए कोई नया लॉ बनाइए, तो भैया ये लॉ बनाना कोई आसान बात नहीं है, न जाने कितने ही एस्पेक्ट्स को चेक करने के बाद वो लॉ बनाया जाता है, और फिर भी उस लॉ में न जाने कितनी अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट ही आया, जरा इसी को ले लीजिए, इसके पीछे न जाने कितने लोगों की मेहनत रही होगी, इज दैट सो और नॉट, और फिर भी अमेंडमेंट्स की समय समय पर जरूरत पड़ रही है, जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं उसके हिसाब से उसकी अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट आती है, भैया करना पड़ रहा है, करेंगे। सो कहने का मतलब ये, ना सिर्फ लॉयर, ना सिर्फ जजेस, बल्कि जो लॉ मेकर्स हैं वो भी लॉ बनाते समय कुछ ना कुछ लीगल इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, वो कुछ रीजंस को जानेंगे कि आखिरकार हम इस लॉ को क्यों बना रहे हैं, इससे क्या फायदा हो सकता है, किन चीजों को हम रोकना चाह रहे हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि इस सोसाइटी में जस्ट हो, अनजस्ट कोई काम ना हो, इज दैट सो और नॉट, सभी को न्याय मिले, अन्याय ना हो, राइट। ये सब सोचते समझते जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम उन सब बातों को ध्यान रखते हैं और फिर लॉस को बनाते हैं। सो कहने का मतलब यहां पर ये हुआ भाई कि ज्यूरिसप्रूडेंस में इन्वेस्टिगेशन इनटू लॉ तो है ही, इज दैट वेरी क्लियर और नॉट। हम जो लॉ लिखा है उसे नहीं पढ़ रहे, उस लॉ को अप्लाई नहीं कर रहे, हम उस लॉ के पीछे जा रहे हैं उसकी रीजनिंग ढूंढने, यही काम ज्यूरिसप्रूडेंस का। सो ज्यूरिसप्रूडेंस है क्या, आइए थोड़ा सा और इसमें एक बार गोता लगाते हैं और इस समंदर से मोती निकाल के लाते हैं। सो दिस ज्यूरिसप्रूडेंस इज नॉट कंसर्न्ड विद व्हाट, इट इज नॉट कंसर्न्ड विद डिराइविंग रूल्स
फ्रॉम द अथॉरिटी। ये कोई अथॉरिटी से रूल्स नहीं ले रहे हैं हम, जो लॉ बनाने वाले अथॉरिटी है बताओ जी क्या लॉ है, हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसको अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम में, ऐसा नहीं है ये। रादर दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ लीगल रूल्स। तो भैया जो भी लीगल रूल्स बने हुए हैं उन सारे लीगल रूल्स पर ये रिफ्लेक्ट करता है, उसके नेचर को रिफ्लेक्ट करता है कि जरा देखें तो सही कि अगर ये लीगल रूल बनाया तो भाई इसके पीछे कारण क्या था, उसका नेचर चेक करता है कि किस तरह का नेचर है इस लॉ का। ज्यूरिसप्रूडेंस हमें यही सब काम सिखाता है कि आओ देखें इस लीगल प्रिंसिपल के बेसिस पर कहीं लॉ बनाया है, क्या लीगल प्रिंसिपल को, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग लॉज को फॉलो किया है, राइट। ये सब चीजें हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ पूरी तरह से ज्यूरिसप्रूडेंस से अलग है, लॉ अलग है, ज्यूरिसप्रूडेंस अलग है। लॉ तो बना दिया गया, हम यहां पर देख रहे हैं लॉ बनाया तो किस बेस पर बनाया, कस्टम्स के बेस पर बनाया, या आज आप देखें तो पुरानी पूरे इस हिंदू लॉ को देखें इतने हजारों लाखों साल पहले मनुस्मृति, राइट, इतने सारे स्क्रिप्चर्स लिखे गए और वो बताते हैं कि किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, एक राजा को कैसे बिहेव करना है, प्रजा को कैसे बिहेव करना है, ये सब बातें जो हैं उसमें लिखी हैं। सो कहीं ना कहीं वो डिवाइन वहां से आई, उनको भी कभी बेस बनाया गया होगा, या मान लो एक चीज फ्रॉम टाइम इमेमोरियल चलती चली आ रही है, टाइम नहीं पता कब से उसे फॉलो कर रहे हैं, बट एक रूल को फॉलो किए जा रहे हैं, वो आज कस्टम बन गया, हमारे यहां तो कस्टम है जी, रिवाज है, हम ये चीज फॉलो करते हैं, उसका टाइम मालूम नहीं, पता नहीं कब शुरू हुआ था वो। सो उसके बेसिस पर लॉ बनते हैं। फिर लॉ कैसे बनेगा कि भाई इन सब बातों को छोड़ो, देखो जी आज की सोसाइटी में क्या लॉजिक है, ये देखो पेड़ से फल गिरता है नीचे आगे जमीन पर, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स, हम उसके गिरने के जमीन के अंदर गए भाई, आके जमीन के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा जो उस चीज को अट्रैक्ट कर रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो उसी तरह से अगर कोई लॉ बनाया गया तो हम उसके पीछे की रीजनिंग ढूंढ रहे हैं, यही काम है ज्यूरिसप्रूडेंस का दोस्तों। सो लॉ अलग है, उसके पीछे रीजनिंग अलग है, लॉ रिजिड है, लॉ को तो फॉलो करना पड़ता है, लॉ बन गया ठीक है जी फॉलो करो, सो लॉ को तो आपने बना दिया तो आप उसे फॉलो करना है, लेकिन मैं ज्यूरिसप्रूडेंस की बात करूं तो ये भैया बिल्कुल अलग है, इसके पीछे हम लॉजिक ढूंढते हैं, हर चीज में लॉजिक के पीछे क्या लॉजिक रहा ये बताओ मुझे आप। सो लॉ ऑलवेज लुक्स फॉर व्हाट, इट लुक्स फॉर रूल विच इज रेलेवेंट टू अ गिवन सिचुएशन। मान लीजिए जैसे ट्रेसपासिंग का एग्जांपल दिया था, एक व्यक्ति दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा जमा के बैठ जाए तो ये सिचुएशन है, अच्छा बताओ जी इस सिचुएशन के लिए क्या लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में चले जाएंगे और वहां से उसका प्रोविजन निकाल के चले आएंगे, अच्छा इसकी सजाएं ढूंढनी है तो सजाएं ढूंढ ली। तो हमने लॉ में करना क्या, एक स्पेसिफिक सिचुएशन को देखना है और उस स्पेसिफिक सिचुएशन पर कौन सा लॉ अप्लाई होता है, कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, उस किताब को खोलना है, उस एक्ट को खोलने के बाद उस प्रोविजन को पढ़ना है, उसमें जो सजा है उसे पढ़ना है, क्या प्रोसीजर है उसे पढ़ना है, उसे फॉलो करना है, दैट्स इट। लेकिन ज्यूरिसप्रूडेंस ऐसा नहीं है, ज्यूरिसप्रूडेंस में हम सवाल करते हैं, ज्यूरिसप्रूडेंस में हम सवाल करते हैं दोस्तों, वी आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रूल टू बी अ लीगल रूल, यानी एक रूल को अगर लीगल रूल बनना है तो उसके पीछे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसने बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग लॉ को फॉलो किया जा रहा है, अगर ऐसा किया जा रहा है तो दोस्तों फिर वो लॉ बनने लायक है। ये किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन है, दिस इज व्हाट इज डन इन ज्यूरिसप्रूडेंस। सो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारी इस ज्यूरिसप्रूडेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने कोई नए रूल्स नहीं बनाने भाई, इसमें हम कोई नए रूल्स नहीं बनाने वाले ज्यूरिसप्रूडेंस में, कहीं आप सोचो कि जी हम कोई नया रूल बनाएंगे, नो,
we are not going to make new rules. So this jurisprudence, the object of this jurisprudence is not to discover new rules. नया रूल नहीं बनाने दोस्तों, हमने कोई नया रूल नहीं बनाना, बल्कि हमने करना क्या है, हमने रिफ्लेक्ट करना है उन रूल्स पर जिन्हें हम पहले से जानते हैं. जी हां, हियर वी आर गोइंग टू स्टडी दोज रूल्स विच आर ऑलरेडी बीन मेड, विच आर ऑलरेडी अप्लाइड, विच आर ऑलरेडी बींग अप्लाइड इन दिस सोसाइटी, विच आर बींग फॉलोड बाय द सोसाइटी. हम उसी के पीछे जाकर सवाल करने जा रहे हैं, भैया क्या लीगल प्रिंसिपल्स फॉलो किए, क्या सही बनाया गया, उसकी लॉ की ही स्टडी की जा रही है. सो द ऑब्जेक्ट इज नॉट टू डिस्कवर न्यू रूल्स बट टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज ऑलरेडी देयर एज अ लीगल रूल. राइट, तो भैया लॉ बनाया, जरूर उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा, बोलो हाँ या ना. लॉ के पीछे उसका जरूर कोई ना कोई ट्रू मीनिंग रहा होगा, हम ये भी जानना चाहते हैं, रीजन भी जानना चाहते हैं. हम उस लॉ के पीछे क्या रीजन रहा उसके साथ साथ उसका ट्रू मीनिंग भी जानना चाहते हैं. राइट, एज अ जज, एज अ लॉयर, ये सबसे पहला काम होगा. और जिन लोगों ने उसे बनाया, मुझे उन लोगों की ट्रू इंटेंशन को भी जानना है, लॉ मेकर्स की ट्रू इंटेंशन, कि भैया आखिरकार जब ये रूल बनाया गया होगा, मान लीजिए इंप्लॉई कंपनसेशन एक्ट 1923, पहले इसका नाम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था, अब इंप्लॉइज के कंपनसेशन के लिए बनाया गया होगा जी. अच्छा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, अच्छा फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए बनाया गया होगा. अच्छा, एक समय में टाइम पर पेमेंट नहीं होती थी वेजेस की, तो उसके रूल्स बनाए गए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. अच्छा, एक और ले लीजिए, मनचाही वेजेस दी जाती थी, बहुत कम, कभी दे दी कभी नहीं दी, कितनी दी ये अमाउंट की बात करें तो लॉ आया कि भाई मिनिमम अमाउंट तो इतना मिलना ही चाहिए, यानी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आ गया. सो कहने का मतलब यह है, हमने किसी भी एक्ट को देखा तो उसके पीछे हमने देखना है कि लॉ मेकर की ट्रू इंटेंशन क्या रही होगी. ज्यूरिसप्रूडेंस हमें यही सब काम सिखाता है. राइट, रीजन को जानना, उसके ट्रू मीनिंग को जानना और लॉ मेकर की ट्रू इंटेंशन को जानना. सो अल्टीमेटली ज्यूरिसप्रूडेंस हेल्प्स लॉ मेकर्स एज वेल एज जजेस एंड लॉयर्स. जजेस एंड लॉयर्स को भी हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन करने के लिए कि भाई जो लॉ लिखा गया आखिरकार उसके पीछे क्या रीजन था, उसका क्या मीनिंग था, ट्रू मीनिंग जानने के लिए. और लॉ मेकर्स जब लॉ बनाते हैं भैया, व्हाइल लॉ मेकिंग दे यूज दीज प्रिंसिपल्स, दे यूज ज्यूरिसप्रूडेंस, कि भाई एक सही लॉ में क्या होना चाहिए, किन रीजंस को फॉलो करते हुए कैसे लॉ बनाने चाहिए, ये सब बातें यहां पर हैं. अच्छा, यही नहीं, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो भी ज्यूरिसप्रूडेंस इज गोइंग टू हेल्प यू. लॉ के स्टूडेंट को आखिरकार पहले अगर यही नहीं पता लगेगा कि लॉ के पीछे रीजनिंग क्या होती है, तो फिर वो स्टूडेंट किस बात का. सो आप स्टूडेंट हैं तब भी आपको ये पढ़ना है, तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यूरिसप्रूडेंस. आप लॉयर बन गए भैया तब भी जरूरी है, आप जज बन गए तब भी जरूरी, और अल्टीमेटली एक ऐसे लेवल पर चले गए जहां पर लॉ मेकिंग अथॉरिटी बन गए आप, तब तो ये निहायत ही जरूरी बन गया. इज दैट सो और नॉट. सो ज्यूरिसप्रूडेंस का सिग्निफिकेंस कितना जबरदस्त है दोस्तों. सो अल्टीमेटली हम यहां पर क्या देखने वाले हैं दोस्तों, मैं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लॉ को नहीं देखूंगा कि जी आओ जी इंडिया के लॉज को देखें, या यूएस के लॉ को देखते हैं, या देखते हैं यूके के लॉ में क्या है, हमें ये नहीं देखना. हम तो कहते हैं भैया सारा का सारा वर्ल्ड ही अपना है, सारे वर्ल्ड में जितने लॉज हैं उन सब की स्टडी, वो कैसे बने, क्या रीजनिंग रही. ज्यूरिसप्रूडेंस अपने आप में एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, लिमिटलेस है. इट इज नॉट अ कोडिफाइड लॉ, राइट, ऐसा नहीं है कि आपके सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 जैसे होते हैं, ये कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है भाई. इसमें तो आपको उन लॉज के पीछे का असल चेहरा देखना है,
राइट। सो ये एक मेथड है, ज्यूरिसप्रूडेंस इज अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्टडिंग जनरल नोशंस ऑफ लॉ, इज दैट वेरी क्लियर। लॉ की जनरल नोशंस देखनी है एंड नॉट स्टडिंग लॉ ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। हमें किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के लॉ के बारे में डिस्कशन नहीं करना है यहां पर, हमें तो लॉ एज अ होल चेक करना है, और यहीं पर ज्यूरिसप्रूडेंस अपना कमाल दिखाएगा। ये हमें वो मेथड बताएगा कि किस तरह से हम उसे लॉ की जनरल नोशंस को स्टडी करें, राइट। सो ज्यूरिसप्रूडेंस जैसा कि मैंने कहा, इट इज नॉट कोडिफाइड। ऐसा नहीं है कि इसके कोडिफिकेशन किया हुआ है, सेक्शन 1, 2, 3 आप पढ़ लो, इसके अंदर कुछ लिखा है, नो। इट इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट, ग्रोइंग सब्जेक्ट, एवर चेंजिंग, लगातार इसमें चेंजेस आते रहे हैं और आते रहेंगे। एक जमाने में हजारों साल पहले से भी लॉ था दोस्तों, जो लोग रह रहे थे सिविलाइज सोसाइटी, हमारे इस देश की तो जो पुरानी समझ लो महिमा ही है वो जबरदस्त है। उसके बाद धीरे करते 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 चेंजेस हुए दोस्तों, सर्कमस्टेंसेस बदले, ज्यूरिसप्रूडेंस का मीनिंग भी बदलता चला गया। अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग ज्यूरिस्ट हैं, ज्यूरिस्ट यानी जो कि ज्यूरिसप्रूडेंस को समझें, जो उसको अप्लाई कर पाए, जिनको लॉ की नॉलेज है, राइट। सो अल्टीमेटली इस सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, हजारों सालों से चलता चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। समय समय पर कंट्रीज डिफरेंट हैं, लॉ डिफरेंट है, ज्यूरिस्ट डिफरेंट है, उनके दी गई डेफिनेशंस अलग अलग हैं, सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हैं, तो ये ज्यूरिसप्रूडेंस का एक मीनिंग नहीं है कोई, ये समय के हिसाब से बदलता चला जा रहा है, राइट। और उसमें रिफाइनमेंट्स आती जा रही हैं, राइट। सो अपनी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इट हैज नो लिमिटेशन ऑन इटसेल्फ। कहीं पर भी ऐसा नहीं जी सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 500 तक, ये तो लिमिट हो गई, राइट। ज्यूरिसप्रूडेंस में कोई लिमिट नहीं। सो डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस की बात करूं तो दोस्तों, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स ने डिफरेंट लॉज बनाए, देखे कि अभी हमारे यहां कौन कौन से लॉज हैं, इन कंट्रीज में डिफरेंट लॉज हैं, और डिफरेंट इन्होंने डेफिनेशन भी दी, किसकी, ज्यूरिसप्रूडेंस की। सो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स ने डिफरेंट लॉज के बारे में अलग अलग बातें की, और इसी के बेसिस पर ज्यूरिसप्रूडेंस की डेफिनेशन की बात करूं तो भैया सबने अलग अलग दी, समय के हिसाब से अलग आई। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देर हैज बीन अ ग्रेट चेंज, और उस चेंज के साथ साथ दोस्तों क्या हुआ, लॉज जितने भी हैं वो चेंज हुए हैं फॉर बेटर इन डिफरेंट कंट्रीज। उसी के हिसाब से अगर ज्यूरिसप्रूडेंस की डेफिनेशन की बात करूं तो वो डेफिनेशन भी बदली, सब ने अपनी सोच के मुताबिक डेफिनेशन दी। अच्छा अब लॉ की बात करूं तो कैसे कैसे, एक जैसे मैंने बताया कस्टम चला रहा है फ्रॉम द टाइम्स इमेमोरियल, सिंस टाइम इमेमोरियल। उसके बाद बात करूं अगर तो देर आर ओल्डेस्ट ऑफ लॉज, राइट, एंड देर हैव बीन मल्टीपल रिफाइनमेंट्स इन दोज लॉज, और धीरे धीरे करते करते यू हैव सीन कि भाई कितने लॉज इनैक्ट हुए, इज दैट सो और नॉट। सो लॉज की इनैक्टमेंट भी जो है वो अपने आप में लगातार चलती रही, इज दैट वेरी क्लियर और नॉट। ये इनैक्टमेंट लगातार चलती रही दोस्तों, और इस हिसाब से लोगों ने जो ज्यूरिस्ट थे इन लॉज के पीछे के बेसिक प्रिंसिपल्स को देखा समझा, राइट। सो इन सब के हिसाब से देखो तो डिफरेंट पॉलिटिकल सिनारियो रहा, सोशल कंडीशंस में लॉज बने, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट ज्यूरिस्ट डिफरेंट मीनिंग, तो ज्यूरिसप्रूडेंस का मीनिंग भी एक नहीं है। तो सिंगल डेफिनेशन की अगर आप मुझसे बात करो जी ज्यूरिसप्रूडेंस की क्या है, तो देयर इज नो सिंगल डेफिनेशन, कारण आपके सामने है, इतने सालों से ये सब्जेक्ट
इवॉल्व होता चला गया. इट्स अ डायनेमिक सब्जेक्ट विद नो लिमिट्स, राइट. बट जितनी जितनी भी डेफिनेशंस लोगों ने दी, क्या उन्हें पढ़ना जरूरी है या नहीं? यस. सो दोस्तों, हम इन सारी की सारी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे. इस सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल पीपल ने मल्टीपल बातें कही दोस्तों, हम उनका डिस्कशन करेंगे. कस्टम्स के बेसिस पर लॉ है, और जैसा कि मैंने कहा कि जैसे हिंदू लॉ है, उसके पीछे हजारों साल पुरानी चीजें उनके बेसिस पर लॉ बने. और मोहम्मदन लॉ की बात करें तो उसके पीछे भी कुरान है, हदीस है, उनके बेसिस पर कुछ लॉ बन गए. फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगा कि भाई ये तो एक सिस्टमैटिक स्टडी है, साइंस है, इट्स अ साइंस ऑफ मेकिंग लॉ. तो लोगों ने इसे साइंस भी कहा. लोगों ने मींस जो लोग बड़े बड़े लॉ की नॉलेज रखने वाले लोग थे, उन्होंने इसे क्या कहा? साइंस भी कहा. और फिर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भाई ये तो सोसाइटी का एक हिस्सा है. भाई सोसाइटी, सिविलाइज सोसाइटी में हम रहना चाहते हैं, और सारे के सारे लोग जो यहां रहना चाहते हैं, खुशी से रहना चाहते हैं, वही जिससे हमने बात शुरू की थी, अंत में वहीं पर पहुंच गए. तो भाई हम चाहते क्या है कि सारे के सारे लोग मिलजुल कर खुशी से रहें. उसके लिए कुछ बैड एलिमेंट्स हैं, उनको जरा ठीक करने के लिए हमें लॉज की जरूरत पड़ती है, राइट. सो दिस ज्यूरिसप्रूडेंस इज ऑल अबाउट सिविल लॉज, स्टडी ऑफ सिविक लॉज, ये कह दिया किसी ने. यानी अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अपनी नजरिए को पेश किया है, ज्यूरिसप्रूडेंस को बताया. दोस्तों इन सब बातों को हम पढ़ेंगे दोस्तों अपने आने वाले लेक्चर्स में. तो ये वाला सेशन दोस्तों हमें यहीं फिनिश करना है, राइट. हमने ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में